भाई साहब सीन हो गया कलाकारी दिखा रहा था ये मैंने इसे कहा अंदर से करना इनने भारी बार तार लगा दी और इसमें लगाई बूम और इतनी स्नोफॉल हुई इतनी स्नोफॉल हुई भाई कि छह दिन तक वहीं पे लोग फंसे रहे और जिनको इमरजेंसी थी ना भाई प्रॉपर हेलीकॉप्टर आ रहे हैं हेलीकॉप्टर से उनको उठा के ले जाया गया वो देखो भाई पहाड़ पे पिंक कलर का लिखा हुआ ना वो एक्चुअल में लिखा है की सब्सक्राइब टू इंडियन बैक बट इतनी ऊंचाई में भी भाई इतने तगड़े चौड़े रोड बना रखे सोचो यहाँ का भाई कार का शोरूम देखो एक ही शोरूम में सारे ब्रांड की गाड़ी अवेलेबल है भाई सब देख रहे हो ये हमारे लिए लेकर आया भाई दिस इज वेजिटेरियन वेजिटेरियन भाई थोड़ा सा ना सीन हो गया है हम इस टाइम पे चाइना में अपनी स्कॉर्पियन को लेके और हमें यहाँ पे ना डीजल देने से मना कर दिया गया है तो भाई अंदर बुला रहे हैं पुलिस वाले ना मेरे को भी साथ में कि अंदर आओ चलो चेकआउट करने का टाइम आ गया है थोड़ा सा लेट हो गए हैं साढ़े बारह के भी ऊपर हो गए भाई वो भाई सब रेंज रोवर खड़ी है देखो और रेंज रोवर के साइड में और वड्डी वाली रेंज रोवर खड़ी है गाड़ी रेडी है सीधा निकलना है भाई अब सामान वगैरह सेट है है बस एक लास्ट बैग बाकी नई जर्नी आज है उन्नीस दिसंबर 2023 मैं हूं अभी चाइना के खूबसूरत शहर और तिब्बत की कैपिटल लाशा में एंड आप देख रहे हो भाई नमस्ते ऑस्ट्रेलिया रोड ट्रिप का एक और नया एपिसोड इस ट्रिप पे हम निकले हुए भाई इंडिया से ऑस्ट्रेलिया बाय रोड अपनी महिंद्रा स्कॉर्पियो एन को लेके 110 दिनों के लिए जिसमें हम भाई 11 से भी ज्यादा देश कवर करेंगे एंड पच्चीस हजार किलोमीटर गाड़ी को चला के पहुंचेंगे ऑस्ट्रेलिया में तो बहुत ही ज्यादा एपिक वाली रोड ट्रिप है जैसे आपने लंडन सीरीज को सपोर्ट दिखाया भाई इस ट्रिप को भी वैसी सपोर्ट दिखाना वीडियो को लाइक कर देना शेयर कमेंट और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर मार देना ओके ये हमारा होटल था भाई लहासा का आप देख सकते हो काफी बड़ी पार्किंग है भाई और गाड़िया ही गाड़िया खड़ी हुई है हमारी गाड़ी वैसे तो वहाँ खड़ी हुई थी बट गाइड यहाँ पे ले आए चला के सामान वगैरह सेट कराओ ना तो अब निकलते हैं भाई बाकी भाई आज का जो हमारा सफर है ना वो होने वाला है लाशा से नागचू तक एन ए जी क्यू यू तीन सौ चालीस किलोमीटर है छे घंटे बारह मिनट दिखा रहा है पता नहीं यार रोड कैसे ही होंगे हमारा भाई ये मोबाइल माउंट निकल गया था बट वापिस से लग गया पता नहीं कैसे इतनी गोंद थी इसमें टाइट कर दो अच्छे से पे वैसे तो दिक्कत वाली बात नहीं है भाई हमारे पास दो एक्स्ट्रा माउंट पड़े हुए हैं ऐसे ही मैं लेकर आया था इंडिया से इसी सिचुएशन के लिए कि अगर ये टूट जाए या खराब हो जाए तो हम लगा सके बट यही वाला वापिस से लग रहा है तो अच्छी बात है चलो स्टार्ट करते हैं भाई जर्नी टेम्परेचर लासा में हो रहा है थर्टीन डिग्री तो इतनी ठंड नहीं है जहाँ माइनस झेल लिया तो भाई थर्टीन प्लस में तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं चलो जी चलो पार्किंग का फाटक खुल गया है बट एक ही कौन और हटा दें आके कार्ड फिर निकलते हैं लेट्स गो भैया ट्रैफिक से निकले लहा के बाहर बाहर फिर हाईवे में इतनी दिक्कत नहीं होगी ड्राइविंग में यहाँ पे भाई जो गाड़ी है ना भली बाहर की ब्रांड हो जैसे ये वोल्वो है बट भाई इंग्लिश में तो लिखा है एक्सी सिक्सटी उसके नीचे देखो चाइनीज में भी लिखा हुआ है स्पेशली एंड नंबर प्लेट में देखो मैंने आपको पहले भी समझाया था जो फर्स्ट अल्फाबेट है चाइनीज़ में ये है टी मतलब तिब्बत रीजन ए का मतलब है लहासा की गाड़ी है ये और फिर आगे के इस गाड़ी का नंबर है और भाई ये चीज़ सही है देखना कि चाइनीज में भी लिखा हुआ है इधर नहीं सॉरी इधर एक् सिक्सटी के नीचे ऐसी ना भी एक हमें टेस्ला भी दिखी थी यहाँ पे पीछे कहीं उसका लोगो तो टेस्ला का था लेकिन लिखा चाइनीज में था तो मुझे लगा भाई टेस्ला की कॉपी है बट एक्चुअल में टेस्ला ही थी वो रियल एंड ये देख लो भाई साइड में लैंड क्रूजर वी सिक्स वाली क्या बात है गजब लग रही है ना पीछे लाइट शाइट टे कर रखी है पूरी एकदम रे जितनी भी गाड़ियाँ दिख रही है ना भाई सबके स्टेयरिंग व्हील लेफ्ट साइड में है एक हमारा ही स्टेयरिंग वील राइट साइड में है क्योंकि यहाँ पे इंडिया से रूल्स उल्टे चलते हैं ना तो हमें थोड़ी बहुत दिक्कत आती है ओवरटेकिंग में राइट स्टेरिंग की वजह से क्योंकि सामने से क्या गाड़ी आ रही है वो पैसेंजर को दिख जाती है पर मुझे नहीं दिख पाती तो मुझे पूछना पड़ता है मैं ओवरटेक लेता हूं। पर जहां पे ट्रिपल लेन, फोर लेन, लेन, लेन काफी लगता है और ये देखो, कैमराज भी हर लगे हुए भाई। तो, तो खैर चलान नहीं हो सकता है इनसे क्योंकि नंबर प्लेट इंडिया की है बट यहाँ की गाड़ियाँ ना पूरा रूल फॉलो करती है चलान ना हो ये साथ वाली गाड़ी भाई निशान की कौन सी है पता नहीं हेलो कर रहे हेलो <laughs> लोगों को ज़्यादा इंग्लिश तो नहीं आती बट हाय हेलो कर ही लेते हैं लोग समझ जाते हैं इधर देखो भाई बी है और इसमें भी चाइनीज में लिखा हुआ है पूरा का पूरा सही है ना इंडिया में अभी तक ऐसा नहीं हुआ ना भाई कि बाहर के ब्रांड्स है और हिंदी में लिखा हो बाहर के ब्रांड छोड़ो इंडियन ब्रांड्स जो है वो भी हिंदी में नहीं लिखते बट ठीक है यार मतलब क्यों हिंदी में लिखना अपना इतना ज़रूरी भी नहीं है ना इंग्लिश वर्ड समझ आ ही जाते हैं सबको जब यहाँ पे ये चीज़ देखिए मैंने कि अपना चाइनीज़ लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा ना इंपॉर्टेंस देते हैं भाई तो अभी फ़िलहाल ना हम अपने गाइड के घर आए हुए हैं जो हमारे तिब्बत वाले गाइड है एक्चुअल में जो हमारे मेन गाइड है ना एडवर्ड जो अभी हमें तीन दिन बाद मिलेंगे मेन लैंड चाइना में सारा मेरी बातचीत उन्हीं से ही चलती थी ट्रिप से रिलेटेड बुकिंग भी उन्हीं के थ्रू हुई थी तो जब मैं नेपाल में था मैंने उन्हें बताया था कि मेरी ना बैक पेन वापस से शुरू हो गई है तो उन्होंने ना मेरे को भाई गिफ्ट किया है एक बेल्ट तो ये चाइना में ना एक बेल्ट आती है नाम तो पता नहीं क्या है बट ये ना पूरा सपोर्ट देती है भाई कंधे को बैक को जिससे कि ना स्ट्रेट रहती है ये तो आज ओ, वहाँ पे होटल जाके रात को इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे और कल से इसे यूज करेंगे ताकि अपनी बैक पेन ना आए ना होप साइज़ करेक्ट हो उन्होंने मेरा हाइट और वेट पूछा था तो मैंने तो बता दिया था भाई अब लेट सी एग्जैक्ट साइज की आई है नहीं आई है अभी फिलहाल उतर के मैं अपनी पहले वाली बेल्ट लगा लेता हूँ क्योंकि आज लंबा सफर है ना तो बैक को सपोर्ट चाहिए भाई ये जो बेल्ट होती है ना भाई बहुत ज्यादा सपोर्ट देती है पोस्टर को जिससे कि ना यूं झुक के नहीं चलानी पड़ती गाड़ी अगर आप यूं चलाओगे ना तो जो आपकी डिस्क है उस पर और ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा फिर जो डिस्क बल्ज बाहर निकला हुआ है ना उससे फिर और दर्द होगा बट ये ना आपका पोस्चर स्ट्रेट रखती है दैन दिक्कत नहीं आती तो अभी तो मैं यही पहन लेता हूँ वो वाली इससे ज़्यादा बेटर है क्योंकि उसमें ना शोल्डर की भी पूरी ऐसे पोस्चर के लिए के सपोर्ट मिलता है तो लेट्स याद कैसी होगी वो एंड थैंक यू उनका एडवर्ड का you know.

बारह साढ़े बारह सौ किलोमीटर चाइना में चलिए है यहाँ की रोड्स ना भाई हमेशा साफ सुथरी रहती है इस तरह के लोग जो है ना यूनिफॉर्म में देखो कचरा उठाते ही रहते हैं लगभग जहाँ भी दिख जाए ना एक मिनट में उठा के ले जाते हैं और ऑब्वियसली यहाँ के जो सिटीजन है ना वो भी ज्यादा कूड़ा फैलाते ही नहीं है रोड पे की इनको ज्यादा उठाने की जरूरत पड़े बट हाँ जहा जहाँ पे बर्फ पड़ती है ना भाई वहाँ पे प्रॉपर मशीन आती है तो अभी ना हम फिलहाल लहासा में है जो की कह रहा सिक्स हंड्रेड मीटर्स की हाइट पे है और आज हम जो सिटी जा रहे हैं ना वो है भाई फोर मीटर यानी कि आज वापिस नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो बीच में एक पास भी पड़ेगा और हमारे गाइड बता रहे हैं अगर रात को स्नोफॉल हुई होगी ना तो वहां पे भाई उस पास पे रोड पे बर्फ मिलती है काफी और कभी कभी इतनी बर्फ पड़ती है कि छः-छः सात सात दिन तक फंस जाते हैं लोग वहीं पे तो सोचो भाई अगर हमारी गाड़ी फंस गई छः दिन तो दिक्कत हो जाएगी और हमारे गाइड ने बताया कि पिछले साल ना एक टूर ग्रुप को वो लेकर गए थे उसी पास में और इतनी स्नोफॉल हुई इतनी स्नोफॉल हुई भाई कि छह दिन तक वहीं पे लोग फंसे रहे और जिनको इमरजेंसी थी ना भाई प्रॉपर हेलीकॉप्टर आ रहे हेलीकॉप्टर से उनको उठा के ले जाया गया हेलीकॉप्टर से ही खाना प्रोवाइड किया जा रहा था भाई बहुत गंदा सीन था तो मैं तो भगवान जी से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि हम ना फंसे मतलब रात को इतनी स्नोफॉल ना हुई हो वहाँ पे हमें खाली रास्ता मिले यार वरना तो बहुत दिक्कत हो जाएगी रेस्टोरेंट भाई उधर कहीं पे है और मैं मेन रोड पे गाड़ी लगा के खड़ा हुआ हूँ तो कभी भी पुलिस आ सकती है और कह सकती है निकलो भैया यहाँ से बट अभी तक मेरा जितना इनकाउंटर हुआ है पुलिस के साथ भाई अच्छा ही था एक बार मैंने पहले भी लगा रखी थी रोड पर गाड़ी तो मैंने उन्हें समझाया कि हमारे गाइड आ रहे हैं ऐसी थोड़ा मतलब टूटी फूटी उनको भी नहीं समझ आ रही थी क्योंकि कुछ तो फिर वो समझ गए थे कह रहे ओके ओके तो ऐसे मतलब कोई दिक्कत नहीं होती भाई आराम से हो जाता है सीन सेट चीज और और भाई ये जो नंबर प्लेट ड्राइविंग लाइसेंस है ना मैं इसको ना यहाँ पे रखता हूँ और फिर ऐसे बंद कर देता हूँ मतलब कोई पुलिस वाला रोकेगा और मांगेगा तो दिखा दूंगा बट अगर वहां रखूंगा ना तो भाई जो यहाँ के स्पीड कैमरा है ना वो देख लेंगे और चलान हो सकता है फिर हमारा इस नंबर प्लेट के बेसिस पे मतलब अभी तो नहीं होगा लेकिन जब हम एग्जिट करने लगेंगे ना चाइना को तब वो फिर हिस्ट्री निकाल लेंगे कि ये गाड़ी इस स्पीड से यहाँ यहाँ चल रही थी क्योंकि तो अपनी इंडियन नंबर प्लेट तो कैमरा में कैप्चर हो नहीं पाएगी लेकिन ये वाले नंबर कैप्चर हो जाएगा तो इसलिए हमारे गाइड ने वो तो इसलिए भाई हमने फिर वहाँ नहीं रख रखी मस्त यहाँ रख लिया आराम से अब बाकी रूल क्या है ये तो मुझे नहीं पता भाई कि वहाँ रखना है नहीं रखना है अगर कोई रोकेगा और बोलेगा कि आगे रखो तो रख लिया करेंगे बाकी अभी तक नौ दस दिन तो हो चुके हैं हमें किसी ने कुछ नहीं बोला हो सकता मेन लैंड चाइना में हो थोड़ा सा सीन मैं जान पूछ के ना बाहर निकल गया कमर को थो, ताकि थोड़ा ना स्ट्रेचिंग मिल जाए वरना बैठे बैठे तो फिर प्रेशर पड़ता है ना और बाहर भाई हम ठंडी ठंडी हवा चल रही और अंदर हीटर चल रहा था इतना बढ़िया लग रहा था बट क्या करे भाई कमर के चक्कर में ना करना पड़ता है मतलब मैं खुद सोचता हूँ भाई की ये ट्रिप कितनी आसान हो सकती है अगर मेरी कमर ठीक हो जैसे लंडन ट्रिप में भी कमर ने बहुत दिक्कत दी यही अगर कोई नॉर्मल बंदा जा रहा है जिसकी कमर में प्रॉब्लम नहीं है या कोई और प्रॉब्लम नहीं है तो वो थर्टी परसेंट ईजिली कर सकता है ये ट्रिप हमारे मुकाबले बट फिर भी लोग भाई हिम्मत ही नहीं करते जाने की हमने हिम्मत करी तो इतना सपोर्ट भी मिल रहा है अब लोग कर भी रहे आगे हमें देख के कि हाँ हमें भी करना चाहिए ये वरना हमसे पहले करने वाले तो बहुत थे बट YouTube पे कोई नहीं करता था भाई सब लोग अपने कंफर्ट जोन में घुसे हुए थे कि क्या कौन इतनी मेहनत करेगा इतनी लंबी ट्रिप प्लान करेगा जब हमने लंडन ट्रिप कर दी ना भाई उसके बाद तो फिर समझ लो बहुत यूट्यूबर्स थे कईयों ने शुरू भी करी ने कम्पलीट भी कर दी कई अभी भी प्लानिंग कर रहे की जाएंगे बट अपना मेन मोटिव यही था भाई की हमें इंडिया में हिंदी में कॉन्टेंट ऐसा देना है की आप अपनी इंडिया से गाड़ी ले जा रहे हो और दूसरे देशों में पूरे रूल्स क्या है कारनेट क्या है वीजा क्या है वो सब कुछ यूट्यूब में सरल शब्दों में समझा रहे हो क्योंकि करा तो जैसे कि मैंने बताया ना हमसे पहले बहुत लोगों ने है बट समझाया आज तक किसी ने नहीं था यूट्यूब पे वीडियो किसी ने नहीं बनाई डेली हमने करा भाई वो लंडन सीरीज में और वो इतनी हिट गई इतनी हिट गई भाई ऑलमोस्ट मेरे आप लगा लो वन मिलियन व्यूज नहीं वन ट्वेंटी नहीं ज्यादा ही थे मैं देख के बताऊंगा पूरी सीरीज में मतलब एवरेज हर वीडियो में डेढ़ मिलियन दो मिलियन किसी किसी में चार चार मिलियन व्यूज भी आ रहे थे और इस वाली सीरीज में भी जो नेपाल तक के ब्लॉग अभी तक तो मैं वही अपलोड कर रहा हूँ उसमें भी भाई अराउंड वन मिलियन के अराउंड व्यूज आ रहे

पंद्रह मिनट सत्रह मिनट अठारह मिनट कईयो कही हो है तो बीस मिनट एवरेज व्यू ड्यूरेशन भाई मतलब ब्लॉगर्स में बहुत कम होता है ऐसा अब मेरा आया इसलिए भाई व्यूज भी ज्यादा हुए यूट्यूब ने रीच भी तगड़ी दी मतलब 20-20 मिलियन की रीच आती थी एक एक वीडियो में और व्यूज मैंने बताया दो दो मिलियन एवरेज ऐसे ही जैसे कर रहे हैं भाई आगे भी करते रहेंगे आपको अच्छा अच्छा कंटेंट देंगे डेली व्लॉगिंग से मैं भी पक गया था जो घर बैठ के होती थी और मुझे मतलब मजा भी नहीं आता और लोगों को भी मजा नहीं आता क्योंकि इतने ज्यादा ब्लॉगर्स भर गए हैं भाई इंडिया में डेली ब्लॉग वाले गाड़ियों का कॉन्टें दिखाना घर के ब्लॉग्स दिखाना बट अपना सीन चेंज हो चुका पूरा वर्ल्ड ट्रैवल करना है अपनी इस माफिया स्कॉपियो एन पे जब तक साथ देगी भाई जब नहीं साथ देगी तो कोई और व्हीकल ले लेंगे कोई बात नहीं आप सपोर्ट दिखाई रखना बस है ना काफी लोग मुझसे पूछते हैं मैं लंडन ट्रिप क्यों करी देखो सबसे पहले तो भाई एक ड्रीम था दूसरा मुझे पूरा वर्ल्ड ट्रेवल करना ही है तीसरा मुझे गाड़ी चलाने का शौक है तो इसलिए मैं गाड़ी से ही ट्रेवल करना चाहता था और चौथा मेन मोटिव था भाई किन लोगों के बीच में ना रिस्पेक्ट बने मेरी की हाँ जब भी लोग मुझे मिले तो बोले भाई इस बंदे ने कुछ करके दिखाया है क्योंकि जब मैं पहले सोलो ट्रेवल करता था ना तब मुझे लोग मिलते थे बहुत सारे जो कहते थे कि हम अनमोल भाई मतलब आप इजिप्ट चले गए अकेले दो, दो ट्रैवल नहीं, तो 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 नहीं करते थे, मतलब ऐसा फील नहीं होता था अंदर से किया बट लंडन ट्रिप करने के बाद जो लोग मिलते हैं ना भाई उनके नजरों में मेरे लिए अलग ही रिस्पेक्ट है तो इसलिए भाई मेन मोटिव यही है लोगों की नजरों में रिस्पेक्ट बनी रहे मेरी और दूसरी चीज भाई मुझे इंडिया में सबसे पहले ये करना था यूट्यूब पे कि आगे की जनरेशन जब भी आए अगले

कितने का आया टोटल वन हंड्रेड फिफ्टीन का आया जो कि के इंडिया के भाई अराउंड तेरह चौदह सौ रूपये बनते हैं तो ठीक प्राथ है चार पराठे और एक पनीर की सब्जी चलो जी लेट्स भाई अब ठीक है घंटे का ही रास्ता है साढ़े तीन सौ किलोमीटर का अब अभी तक तो रोड सही है आगे मुझे नहीं पता भाई तो ये टाउन आप सामने देख ही सकते हो जो आया है ए, ये देखो भाई वो सामने दिख रही है ना वाइट कलर की बिल्डिंग्स पांच सौ मीटर पे एग्जिट लेना है हमें हाईवे से नीचे उतर के फिर हम फ्यूल भरवाएंगे कोई गल नहीं भाई दस पंद्रह मिनट एक्स्ट्रा लग जाएंगे अपने अगर हम लहासा से ही भरवा लेते तो ये टाइम बच जाता बट ये भी तो है कि हम ये टाउन भी देख लेंगे इसी बहाने भाई फ्यूल के है ना वरना टाउन देख नहीं पाते सीधा सीधा निकल जाते भाई लेट्स गो यही वाला राइट है एक्सिट मार्किंग वार्किंग भाई रोड पे प्रॉपर बनी हुई है कोई दिक्कत नहीं है मतलब जैसे ही कट आने वाला होता है पूरा ऐसे दो किलोमीटर पहले एक किलोमीटर पहले पाँच सौ मीटर पहले सौ मीटर पहले और फिर मस्त अपना कट हो जाता है तो मेरे को मतलब यहाँ की अभी तक रोड जो है ना वो काइंड ऑफ यूरोप और यूके जैसे ही लगी है कोई ऐसे मेजर फर्क नहीं आया और सामने वाली पहाड़ी देखो भाई प्रॉपर बर्फ जमी पड़ी है भाई ये जो रोड ये भी नागचू तक जाती है बट ये पुरानी वाली रोड है अब तो प्रॉपर हाईवे बने तो कवर हो रहा है बट यहाँ पे पहाड़ी रास्ता है ना तो मतलब स्पीड मेंटेन नहीं हो पाती और वो भाई प्रॉपर ऐसे फोर लेन सिक्स लेन हाईवे है तो आराम से एक सौ की स्पीड में पकड़ा दिसवे So, ना, दो so like two, 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 right? तो तो तीन दिन हमें इसी तरह की रोड पे ड्राइव करना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे कोई हाईवे नहीं है फिर फाइनली तीन दिन बाद हम एग्जिट कर देंगे तिब्बत रीजन को एंड एंटर कर देंगे मेन लैंड चाइना में एंड इन मेन लैंड चाइना Yeah. तो पे 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 प्रॉपर है और पे हमें भाई टोल टैक्स भी पे करना पड़ेगा क्योंकि तिब्बत में ना जितने भी है, वो सारे फ्री है। यहाँ पे कोई टोल टैक्स नहीं देना पड़ता लेकिन मेन लैंड चाइना में पैसा लगेगा तो भाई चलो चेक पॉइंट पे एंट्री नहीं करवानी पड़ी हमारे गाइड ने उनको समझा दिया की हम तो नागचू जा रहे हैं भाई वापिस आई को माइनस ट्वेंटी वाला डलवाना पड़ेगा राइट yeah, yeah. right? yeah. okay. ओके yes, okay. चलो भाई यस दिमाग खराब हो जाता है कैश ना कितना कैश कि है तुम्हारे पास अमीर हो रहे हो है, सो है ना यहाँ के क्या बात है देखो भाई फ्यूल स्टेशन पे भी लड़की आई है मैंने आपको कल बताया था ना हर जगह भाई चाइना में लड़किया लड़किया है दुकान चले जाओ कैफे चले जाओ चलो जी तो आज भी हम माइनस ट्वेंटी वाला ही डलवा रहे हैं रहेगा या सेकंड लास्ट टाइम होने वाला है माइनस ट्वेंटी उसके बाद मेनलैंड चाइना में हमें डलवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी माइनस ट्वेंटी तब हम जीरो डिग्री वाला भी नॉर्मल डलवा सकते हैं एंड प्राइस ऑलमोस्ट भाई हर जगह सेम ही है नाइन पॉइंट पर लीटर इट्स अप्रोक्सीमेटली हंड्रेड एंड फाइव रुपीज बारह से मल्टीप्लाई कर देना भाई थोड़ा सा ना सीन हो गया है हम इस टाइम पे चाइना में अपनी स्कॉर्पियन को लेके और हमें यहाँ पे ना डीजल देने से मना कर दिया गया है कुछ तो भाई पंगा हुआ है तो सामने की साइड हमारे एक चेक पोस्ट है पुलिस का हमारे गाइड वहाँ पे गए हैं परमिशन लेने के लिए आई गेस क्योंकि फ्यूल स्टेशन वाले हमें दे नहीं रहे फॉरिनर गाड़ी है पता नहीं यार क्या दिक्कत है इतने दिन से तो सही चल रहा था सब कुछ आज कुछ ज्यादा ही पंगा पड़ रहा है लेट्स सी अब वेट कर रहा हूँ भाई जैसे ही आएंगे हमारे गाइड फिर शुरू करेंगे देना डीजल बाकी चलो आपको दिखाता तो हूँ यहाँ की मशीनों में जो चाइनीज में लिखा है ना उनका इंग्लिश में ट्रांसलेशन कैसा है गूगल ट्रांसलेट है मेरे पास आओ पास आओ तो देखो भाई ये सबसे पहले आपको यहाँ पे चाइनीज में दिख रहा होगा ना इसका मतलब है भाई नेशनल डीजल करके कुछ ये देखो हाँ डीजल अब ये देखो चाइनीज में लिखा ना इसका मतलब है भाई बिफोर रिफ्यूलिंग प्लीज टच क्या टच सही चीज़ है भाई ये गूगल ट्रांसलेट ना जैसे कहीं पे हमें कुछ ऑर्डर देना होता है मेन्यू समझ नहीं आता वैसे तो गाइड होते हैं हमारे साथ बट जब गाइड नहीं होते हमें खुद से ऑर्डर करना है तो मैं इसी से ट्रांसलेट करके पता लगा लेता हूँ मस्त एकदम हेलो सो वाई वाई दे आर नॉट गिविंग एस द फ्यूल पता नहीं कह रहे वही गाइड गए हुए हमारे दे ही नहीं रहे आ रही है यहाँ पे और पूरे स्टेशन में एक ही है ये भरने वाले खाली फीमेल ऑफिसर मैंने आपको कहा था ना कि भाई चाइना में ज़्यादातर लड़के दिखेगी आपको दुकानों पे कैफेज में इसी तरह से फ्यूल स्टेशन में भी दिस सो वी हैव टू टेक दिस परमिशन फ्रॉम पुलिस ओ तो पुलिस से भाई परमिशन लगेगी पर्ची देंगे तब जाके हमें डीजल मिलेगा बताओ क्या सीन है हुंगा शाह हुआ लाजिंगा लाला हु ओके okay. जय श्री राम यू बुद्धिज बुद्धिज्म बुद्धिज्म और मुस्लिम तुम जो ना ये कोई पता नहीं भाई क्या मतलब है इसका रुको ट्रांसलेट समझाता हूँ या सी यू आर अ बुद्धिस्ट और अ मुस्लिम तो ये देखो मैंने यहाँ से इंग्लिश से चाइनीज में कन्वर्ट कर दिया अब इनको दिखाता हूँ या सी नो 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 बुद्धिस्ट नो देन नो नो रिलीजन अरे ये क्या हुआ भाई मुस्लिम भी नहीं है बुद्धिज्म भी नहीं है या यू कैन स्पीक नो पता नहीं भाई क्या पंगा है चाइनीज आती है ना पढ़नी क्या बोला मैंने बताओ चांग 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 है वो भी हज रहे है, बताओ <laughs> ना मीना भाई मुस्लिम पॉपुलेशन भी है इतनी बट हाँ चाइनीज मुस्लिम है यहाँ पे और बुद्धिज्म तो तिब्बत साइड में लोग फॉलो करते हैं और जो हमारे गाइड है ना वो बता रहे हैं कि जो मेन लैंड चाइना है वहाँ पे ज्यादातर लोगों का रिलीजन ही नहीं है कोई मतलब आपको थोड़े बहुत हिंदू मिल जाएंगे थोड़े बहुत चाइनीज मिल जाएंगे चाइनीज नहीं मुस्लिम मिल जाएंगे बट जो मेजोरिटी है मेन लैंड चाइना के लोग उनका कोई भी भाई वो नहीं है धर्म मतलब वो क्या बोलते हैं उन्हें एथिस्ट बोलते हैं जिनका कोई धर्म नहीं होता पता नहीं बताना कमेंट सेक्शन में सही बात है या नहीं है हिंदी में तो नास्तिक बोलते हैं उधर कैमरा कर नहीं सकते यार बार बार वहाँ पे ना पुलिस की तो चेक पोस्ट तो यहाँ पे थोड़ा अलाउड नहीं है पुलिस चेक पोस्ट की वीडियो फोटो बनाना खाम खा जाएंगे हम बेकार बाकी भाई हमारी गाड़ी देख सकते हो आप क्या क्रेजी लगती है हर ब्लॉग में मैं बताता हूँ ये हमारे लिए लेकर आया आए भाई दिस इज वेजिटेरियन वेजिटेरियन और मीठा नहीं है ना नमकीन है ना मीठा है, बीच का है बट अच्छा है देखो लोग अच्छे हैं भाई खातिरदारी में कमी नहीं जाती अपनी अपनी पता है किससे बना ये किससे बना गैस करो आटे।, आटे से नहीं मैदे से पर बढ़िया लग रहा है भाई नेपाल में खाया था ऐसा सा कुछ रस्ते में जहाँ पे मैगी खाई थी ऐसा ही था ना वो भी कुछ वो थोड़ा मीठा ज्यादा था तेल ज्यादा था इसमें मीठा इतना नहीं है ये ज्यादा टेस्टी टेस्ट ही अच्छा वो ज्यादा ही मीठा हो गया था तो भाई अंदर बुला रहे हैं पुलिस वाले ना मेरे को भी साथ में कि अंदर आओ जो यहाँ पे सुपरमार्केट बनी हुई है ना कुछ तो लफड़ा हुआ लग रहा तो भाई अंदर जो मेरी नंबर प्लेट और लाइसेंस बनाया ना चाइना में उसकी फोटो लिया इन्होंने और फोटो कॉपी भी लिया और कुछ तो परमिट सा बनाया एंड नाउ दे आर गिविंग अस दी डीजल फाइनली लेट्स गो भाई चलो अपनी गाड़ी में फ्यूल भरा मैं तो डर ही गया था भाई गाड़ी में डीजल नहीं देंगे तो आगे कैसे जाएगी गाड़ी और भाई ये उस दिन वॉशिंग करवाई ना तो रोड का डी तो हट ही गया पता नहीं कहाँ गिर गया बाकी तो सब सही है इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया भाई रो लिखा हुआ है रोड की जगह चलो जी चलो फ्यूल आ गया है देख लो भाई फिफ्टी लीटर के भी ऊपर चला गया दिख रहा है आपको जूम करूँ थोड़ा सा ये देखो अराउंड फिफ्टी लीटर भाई पूरा ही टैंक खाली पड़ा हुआ था और अमाउंट की बात करें तो फोर एटी वही बारह से मल्टीप्लाई कर लो तो पाँच हजार रुपये के आसपास का डीजल आया टंकी फुल बट ये है कि आराम से अब अपनी गाड़ी ना 600 किलोमीटर चल जाएगी टोटल आया 54.39 लीटर फोर नाइन का लेट्स गो भाई पे कर देते हैं वॉशरूम तो देखो भाई साफ सुथरे बने हुए हैं पेट्रोल पंप पे बट अगेन जैसे कि मैंने कहा था कि हिंदी वाली सीट है भाई दोनों भाई दोनों जगह ये देखो इंग्लिश वाली नहीं मिलती साहब पानी ऐसा बर्फ की तरह एक सेकंड के लिए मैंने हाथ धोए मेरे हाथ सुन हो गए फील ही नहीं हो पा रहे हाथ इतना चील्ड तो अभी थोड़ा सा कर रहा हूँ गर्म बाहर का टेम्परेचर चार डिग्री सेल्सियस हो चुका है जैसे ऐसे ऊपर जाते जाएंगे माइनस में भी हो जाएगा वहाँ पे जाके तो बाहर अभी शूट करने के लिए मना कर दिया था पुलिस ने तो थोड़ा आगे चलते आपको फिर बताता हूँ क्या रीजन था भाई की फ्यूल नहीं मिल रहा था हमें बट अब मिल गया है फ्यूल आप देख सकते हो भाई फुल टंकी हो गई है रेंज आ गई है फोर किलोमीटर की पर एवरेज सिर्फ 9.3 है आज शायद से हमारी एवरेज अच्छी हो जाएगी 10-11 की क्योंकि स्टेट स्टेट हाईवेज है वरना आज से पहले तक तो भैया पहाड़ी रास्ते थे सिर्फ एंड मैंने यहाँ से अंदर से जहाँ पे वॉशरूम था वहीं से ये लिया है पापड़ से लग तो रे इंडिया वाले पोटैटो चिप्स खा के देखते हैं 5.5 पॉइंट के थे यानी कि अराउंड साठ पैंसठ रुपये इंडिया के लेट्स अगर इंडिया वाले टेस्ट हुआ ना तो अंदर जाके एक दो पैकेट और उठा लाऊंगा वरना नहीं ये तो वो है जो व्रत में नहीं मम्मी खाती बिल्कुल फीके फीके से मुझे थोड़ा मसाला होगा जिस हाईवे से उतरे थे ना उसी हाईवे पे चढ़ना है और उस हाईवे का नाम है ये देख सकते हो आप जी सिक्स दो मीटर आगे जाके चढ़ जाएंगे हम वापस से हाईवे पे तो जी ये आ गया है बस राइट मुड़ते ही यही वाली रोड जो है, है आपको स्ट्रेट भाई चलो अपने गाइड से पूछते हैं भाई की वहाँ डीजल क्यों नहीं मिल रहा था क्या रीजन था डीजल बिकॉज वी नियर बाई द्वारो टू रजिस्टर टू देक पॉइंट Because the checkpoint, so that's why, तो मेन रीजन भाई यही था कि हम चेक पॉइंट के बिल्कुल पास थे मतलब जस्ट चेक पॉइंट के सामने ही पेट्रोल स्टेशन था इसलिए वहाँ पे जाके जो है वो थोड़ा सा सीन हुआ वरना तो कोई दिक्कत नहीं एंड आप हाईवे देख ही सकते हो भाई कितने मस्त बने हुए है ऐसे थ्री लेन है दो प्रोपर लेन है और एक जो है वो टू व्हीलर के लिए होगी है एमरजेंसी लेन है शायद से बट सामने देखो भाई मिट्टी वाले पहाड़ और उसकी बिल्कुल टॉप पे बर्फ भी पड़ी हुई है ना और रोड पे भी ऐसे मार्किंग वार्किंग कर रखे है इन्होंने अब यहाँ पे देखो ये बोर्ड आया ना इससे पहले कैमरा भी लगे भाई स्पीड वाले तो हमारा तो नहीं हो रहा चलान बट पेट्रोल स्टेशन अभी 75 किलोमीटर आगे भी है थ्री किलोमीटर आगे भी है तो हम तो गलत ही उतर गए भाई नीचे हाईवे पे भी तीन किलोमीटर आगे आ, आ जाता बट कोई नहीं चलो दिक्कत नहीं हुई अपने को दस पंद्रह मिनट एक्स्ट्रा लगे बट डल गया अब सीधा पैडना खींच सकता हूं मैं दो किलोमीटर ही जाएगा क्या बताऊं कसम से इतनी प्यारी रोड है ना सीधी सीधी सड़कें चौड़े चौड़े हाईवे आराम से 130 140 150 डेढ़ सौ की स्पीड में चल रही है गाड़ी और पिछले डेढ़ सौ दो सौ किलोमीटर से ही स्पीड मेंटेन हो रही है ऐसी मतलब समझ लो आप 100 से नीचे तो 100 क्या 120 से नीचे तो स्पीड जा ही नहीं रही है मस्त डिस्टेंस कवर कर लिया पूरा हालांकि यहाँ पे गूगल मैप बेकार ही होता है बट भाई फिर भी इसमें ना पहुंचने का टाइम दिखा रहा था आठ बज के तीस मिनट और अब देख लो जरा भाई छे बज के सैंतीस मिनट का दिखा रहा है दो घंटे काट दिए और ये दो घंटे पता है कितने घंटे में काटे है पिछले डेढ़ घंटे में सिर्फ डेढ़ घंटा ड्राइव करने पे अगले दो घंटे कम हो गए अभी सिर्फ नाइन्टी किलोमीटर का रास्ता है एक घंटा छब्बीस मिनट दिखा रहा है अगर ऐसे ही रोड हुई ना भाई नागचू तक पूरी तो आप समझ लो ये नाइन्टी किलोमीटर ना मैं अगले चालीस मिनट में पूरे कर दूंगा यानी कि अभी पांच बज के बारह मिनट हुआ है छह बजे में लगा दूंगा करेक्ट देखना अभी लेकिन अगर ऐसे ही रोड तो अगर खराब हो गई रोड तो फिर नहीं कह सकते भैया वो देखो भाई पहाड़ पे पिंक कलर का लिखा हुआ ना वो एक्चुअल में लिखा है कि सब्सक्राइब टू इंडियन बैकपैकर बिना वेट करे ना भाई फटाफट से सब्सक्राइब कर दो अभी मैं थोड़े टाइम बाद यहाँ पे लाइक शेयर कमेंट भी लिखवा दूंगा जैसे यहाँ सब्सक्राइब लिखा है ना <laughs> तो कर देना फिलहाल भाई जगह ढूंढ रहा राम कोई रुकने की क्योंकि जो आलू के परांठे और पनीर की सब्जी लाए थे ना वो खाई नहीं पाँच बज के सोलह मिनट हो चुका है दोपहर के भूख भी लग रही है थोड़े से ये चिप्स खा लिए थे हमने रस्ते में और सुबह एक केला खाया था बस तो अभी देखते हैं मेन हाईवे पे तो आई गएस रोकने नहीं देंगे अलाउड नहीं होगा यहाँ पे या हो भी सकता है ये वाली लेन जो है वो रुकने के लिए ही बनी हो देखते हैं जो भी है अगर मिल जाता है थोड़ी देर में कोई स्पॉट तो वहीं रुकेंगे वरना फिर भैया यहीं साइड में लगा के अपना पेट पूजा कर लेंगे देखो भाई दस मिनट में मैंने दस किलोमीटर से भी ज्यादा कवर कर लिए सही में भाई ऐसी रोड मिली तो मैं तो पहुंच जाऊंगा पक्का अभी छः बजे से पहले पहले वहां पे ऑस्ट्रेलिया डायरेक्ट से मतलब ऑस्ट्रेलिया तक ऐसी रोड हुई भाई तो बीस दिन में रास्ता कवर पूरा का पूरा बीस हजार किलोमीटर हर दिन हजार किलोमीटर चलाऊंगा मस्त कितने के घंटे लगेंगे हजार किलोमीटर चलाने में 6 सात घंटे रोज का और बीस दिन में सीधा इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया बाय रोड मज़ेदार बट तो ऐसा है नहीं भाई बीच में समुद्र भी है हमें शिप भी करनी है गाड़ी बहुत सारी चीज़ें भी है जगह भी घूमनी है ये थोड़ी खाली बस चलाने के लिए आए हुए हैं भैया एक्सप्लोर भी तो करेंगे आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोज भी तो बनाएंगे ना वरना अगर रास्ता ही ना अपनाता तो फिर फायदा ही क्या हुआ इसलिए ट्रिप में भाई मुझे यूरोप का ना वीजा नहीं मिला ज़्यादा लंबा वरना तो मैं साठ सत्तर दिन तो कम से कम यूरोप ही घूमता और घूम कितना पाया पैंतालीस दिन तीस दिन जिसमें से शैनगन कंट्रीज थी और पंद्रह बीस दिन शायद से नॉन शैनगन कंट्रीज थी कोई नहीं यूरोप जल्दी जाएंगे भाई अपनी माफिया स्कॉर्पियन को लेकर तब तक के लिए आप ये ऑस्ट्रेलिया तक की ट्रिप ना इन्जॉय करो मजे से हम ना भाई काफी ऑल्टीट्यूड में आ चुके हैं आप देख सकते हो यहाँ पे ना बर्फ भी पड़ी हुई है भाई लेफ्ट राइट में और टेम्परेचर भी माइनस छह डिग्री सेल्सियस हो चुका है बट इतनी ऊंचाई में भी भाई इतने तगड़े चौड़े रोड बना रखे है सोचो मतलब क्या यार गजब का इंफ्रास्ट्रक्चर है मजा आ गया है यहाँ पे ड्राइव करके तो सभी हमारे आगे ट्रक जा रहा है इसमें सारी ठुकी पड़ी है अब ये एक्सीडेंटल इंडिया में तो भाई रूल है दस साल और पेट्रोल है पंद्रह साल उसके बाद आपको पॉलिसी में जाना पड़ता है सोइन तिब्बत डीजल कार हाउ मैनीयर इट वेलिड नाइक डीजल कार एंड पेट्रोल कार सो सेमस आ, तो भाई यहाँ चाइना में पंद्रह से बीस साल है मतलब लाइक आफ्टर अलग तो नई नई सी रही है बट ये सारी एक्सीडेंटल तो खतरनाक एक्सीडेंट हुआ बड़ा ऊपर से पिचकी हुई है छत तो गायब ही है सारी उनकी वो फुली जो भी चला रहे थे क्योंकि इतनी ज्यादा खतरनाक एक एक्सीडेंट में कम ही चांसेस होते हैं बचने के और भाई डाइट में नजारा देखो ये सोल्ट नहीं है कच की तरह ये भाई प्रॉपर स्नो है बाहर टेम्परेचर बहुत माइनस हो रहा है मतलब ठंडा हो रहा है भाई माइनस छह माइनस पांच हवा से लग रही है ठंडी ठंडी अगेन भाई हमेशा की तरह रोड पे आपको कहीं भी स्नो नहीं मिलेगी लेकिन लेफ्ट राइट दोनों जगह पे भाई बर्फ ही बर्फ पूरी ना ऐसे वो कच्छ की हाईवे वाली याद आ गई वहां पे तो वो है ना सोल्ट वाइट वाइट लेकिन ये एक्चुअल में रियल बर्फ है भैया देख रहे हो तो आज कल परसों तीन चार दिन जो हम ड्राइव करने वाले हैं ना ये सभी सारी ड्राइव होने वाली है भाई आ, वैली में मतलब दो होते हैं एक होता है माउंटेन के ऊपर और एक होता है वैली वैली जैसे कि देहरादून है वो एक वैली है तो ऐसी सेम भाई नागचू भी जो है ना वो वैली में ही है तो यहाँ पे आपको कोई भी पहाड़ या खाई वाई देखने को नहीं मिलेगी इंस्टेंट आपको दूर दूर तक भाई प्लेन रोड देखने को मिलेंगे और ये हाई एल्टीट्यूड वैली है मतलब चार हजार एक सौ चार हजार दो सौ मीटर की हाइट पे इसलिए यहाँ पे टेम्परेचर भी काफ़ी कम है और बर्फ भी देखने को मिलेगी बट खाई वाई कुछ नहीं है कि टर्स आ रही है कि है, है या खाई दिखेगी लेफ्ट राइट में बिल्कुल स्ट्रेट स्ट्रेट हाईवे देख रहे हो मतलब दूर दूर तक नजर जा रही है मेरे को सीधा ही रोड दिख रहा है भाई और पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तो तगड़ा है ही देखो भाई बिजली के खंभे वम्बे सब लगे हुए हैं तो नागचू में भी होटल वोटल अच्छे से मिल जाएंगे अपने को कोई दिक्कत नहीं जैसे कि मैंने कहा था भाई छे बजे तक मैं पहुंचा दूंगा ये देखो टाइम अपडेट हो गया ना छः बज के छः मिनट सिर्फ बीस किलोमीटर बचा है रुकने की कोई जगह ही नहीं मिली मैंने कहा छोड़ो भाई सीधा नागचू खींचते हैं और होटल में जाके बैठ के खाएंगे आराम से तो अब ये बचा हुआ बीस किलोमीटर है ना मैक्स टू मैक्स दस मिनट में पहुंच जाएंगे और तो रोड बिल्कुल सही है भाई नागचू तक की मज़ेदार

ओके ओके तो भाई न्यू हुई है एंट्री यहाँ पे और यहाँ पे फ्यूल स्टेशन आया है एंट्री पहले ही शहर से थोड़ा सा मेरे को तो लग रहा है छः से भी पहले ही पहुँच जाएंगे देखो फाइव फोर्टी सेवन हुआ है और दस किलोमीटर दस ग्यारह किलोमीटर है दिस इज द बोर्ड फोर यहाँ क्या ओ भाई बोर्ड भी भाई सब बर्फ जान पड़ी है देख रहे हो तो यहाँ थोड़ा स्लो स्लो चलाना पड़ेगा अब वरना टायर फिसलेंगे भाई इस जगह पे देखो भाई ये हाईवे यहाँ से ब्लॉक है तो आगे कंस्ट्रक्शन चल रही है बट विंटर टाइम में ऑब्वियसली ये कंस्ट्रक्ट कर नहीं सकते क्योंकि इतनी ज्यादा बर्फ पड़ती है तो इसलिए कल के रास्ते हमें थोड़े गड्ढे वाले मिलने वाले हैं, वहाँ से ट्रक व्रक बहुत चलते हैं एक पास आएगा जो मैंने आपको गलती से आज बता दिया आना था, था, आज नहीं आना था। वो पास कल आएगा, 5, और, मतलब और यहाँ की आइस देख के लग रहा है, कि हो सकता है कल भाई उस पास पे या रोड पे हमें बहुत ज्यादा स्नो मिले और अपनी जो स्नो चैन हम लेकर आए थे इंडिया से उसका यूज करें हम वैसे तो ना ही करनी पड़े जरूरत भाई मैं तो यही प्रे करूंगा और अपना जो फोर बाय है इसका जैसे फोर एच फोर काम कर जाए इतना बट अगर जरूरत पड़ी तो निकाल लेंगे स्नो चैन क्योंकि कल के बाद फिर नहीं मिलने वाला कहीं भी स्नो भाई उसके बाद तो फिर मस्त रोड ही रोड है अपना मेन लैंड चाइना में और चाइना के बाद लाओस वियतनाम में तो ठंड होएगी नहीं माँ तो समझ लो 20 25 30 डिग्री टेम्परेचर हुआ करेगा तो मजे से शॉर्ट्स पहन के हाफ टी शर्ट पहन के ऐसे डुबकिया लगाऊंगा भाई बीच पे जाके ना यहाँ पे देख लो पहाड़ बर्फ जितना देखना है वहाँ पे तो आपको समुद्र दिखेगा हर जगह पे कहा से शुरू हो नक्चू सिटी या नक्चू टाउन आप ये देख सकते हो कितनी सारी भाई बिल्डिंग है सामने अब इस ट्रक की वजह से काफी देर से हम ऐसे मरे मरे चल रहे हैं क्योंकि ओवरटेक भी नहीं कर पा रहे दूसरी तरफ से गाड़ी आ रही है पर तो क्या ही है भाई टाइम देख लो करेक्ट छे बजे नक्चू एंटर हो गए हम क्या कहा था भाई मस्त एकदम ढाई घंटे काट दिए भाई कहा साढ़े आठ घंटे साढ़े आठ बजे दिखा रहा था और छे बजे पहुंचा दिया मैंने ऐसी दिल्ली से लंडन अब इंडिया से ऑस्ट्रेलिया ये देख लो भाई वैली दूर दूर तक आपको ऐसे ग्राउंड दिखेगा अगर यही हम गर्मियों के मौसम में आए होते हैं ना भाई तो पूरी ग्रीनरी ग्रीनरी होती है यहाँ पे मजेदार घास एकदम बट इस टाइम पे ग्रीनरी भी जा चुकी है और हल्की हल्की स्नो आ चुकी है इतनी भी स्नो नहीं है बट हाँ देखने को मिल रही है स्नो तो यार वैसे तो नागचू में ना काफी सारे होटल्स है बट अगेन फिर से बता दू जो लोग नया चैनल पे की तिब्बत में ना आपको मतलब एज अ फॉरेनर सिर्फ उन्हीं होटल्स में रुक सकते हो जिसमें गवर्नमेंट की ऑर्थोर्टी मतलब ऑर्थोराइज्ड होटल है तो हाउ मेनी होटल फॉर फॉरेनर्स यर वन और टू बताओ एक और एक या दो होटल है इतने बड़े शहर में एंड हाउ मेनी टोटल होटल्स टोटल इंक्लूड जेस हाउस डी होटल ओनली तो भाई पूरे इसमें गेस्ट हाउस होटल मिला के पंद्रह से बीस है बट उसमें से आप देख लो एक या दो में ही हम रुक सकते हैं जो अलाउड कर रखा है यहाँ पे तो ये थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है भाई क्या करें बट कोई नहीं अब जैसा है भाई करना पड़ेगा मार्केट आ गई आप देख सकते हो दिस इज होटल ओके सो कैन स्टॉप ओके चलो थोड़ा आगे चलते हैं भाई रेस्टोरेंट no. no? यार इंडियन नो तो भाई यहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट वगैरह कुछ नहीं मिलेगा तो आई सब है यहाँ तो बिचलेगा यहाँ टायर यहाँ ब्रेक नहीं लगानी भाई स्लिप होता हुआ जाएगा वरना ध्यान से थोड़ा क्या स्नो होटल के अंदर हाँ। तुम कब देखे हैं अभी देख रहा था ना इससे ये देखो भाई हुंडई कौन सी हुंडई है हमें तो नहीं पता ये बेंटली का वो लगा रखा है देखना लोगों और एच लिख है मॉडल है आई एक्स थर्टी फाइव मैंने तो पहली बार देखी है भाई इंडिया की गाड़ी है तो भाई ये सामने आप बिल्डिंग देख रहे हो ट्रक के पीछे ये वाली तो ये भी एक होटल है तो अभी इनके बाहर लगाते हैं हमारे गाइड पूछेंगे की अलाउ है या नहीं है हमें रुकना वरना तो जो फोर स्टार फाइव स्टार होटल है भाई वो काफी एक्सपेंसिव हो जाते हैं और हमारा उतना बजट नहीं है या या देखो भाई रोड पे ही बर्फ है और यहाँ ब्रेक लगाने में ना फिसलेगी गाड़ी स्लो स्लो खुद से ही रुक जाए गाड़ी ज्यादा देखो ब्रेक लगा रहा हूँ भाई समझ ही नहीं रही है देखो ब्रेक लगा रखे खुद ही चले जा रही है अबे रुक जा भाई हाँ गए, चलो शुक्र है लेट्स गो टायर की दुकान है भाई होटल के नीचे ही मजेदार आज के खाने की तो हमें कोई टेंशन नहीं है अपने पास बहुत मटेरियल पड़ा है थोड़े से चावल भी बना लेंगे जाके और मस्त पेट पूजा हो जाएगी चिप्स मांग रिया है क्या है एलियन पहली बार देखा क्या है एलियन पहली बार देखा गाइड को एलियन बोल रहा हो आ रही है इतने प्यारे गाइड है हमारे उनको एलियन बोलते हो भगवान से ना डरा करो थोड़ा सा समझ आ गई ना मेरी बात नोट अलाउड ओके यहाँ तो अलाउड भाई चलो बैक साइड ओके। लेते हंड्रेड oh, yes. नहीं है फोर्टी फाइव हंड्रेड मीटर पे हम इस टाइम पे देख लो और फीट में भी देख लो 14779। भाई साहब पर अब तो सी हो गई है भाई इतनी बार रुक गए हैं चार हजार पैंतालीस सौ पे सर दर्द वर्द अब नहीं होता रात को थोड़ी सी सोने में डिफ़िकल्टी होती है क्योंकि नाक बंद हो जाती है और सांस नहीं ली जाती रंग से और ये पंगा भी अभी दो दिन का ही है बस उसके बाद तो दो हज़ार ढाई हज़ार पाँच सौ छः सौ मीटर ऐसे आ जाएंगे भाई हम इतने नीचे यहाँ का भाई कार का शोरूम देखो एक ही शोरूम में सारे ब्रांड की गाड़ी अवेलेबल है भाई सब देख रहे हो ये मेरे ख्याल नया ही है शोरूम तो यूज वाला नहीं है और लेफ्ट साइड में है वोल्केनो कॉफी दुकाने तो ज़्यादा नहीं है भाई यहाँ पे इधर की साइड में ये ग्रीन कलर का बैंक है बस मैं तो वैसे भी नहीं निकलने वाला भाई बाहर थकान हो रही है अब गाड़ी चला के और ठंड भी बहुत हो रही है होटल में जाके मस्त लेट जाऊंगा जितना बना होगा वो ठीक है अगर ज्यादा ही छोटा होगा तो कल का भी कंबाइन कर दूंगा और अगर बड़ा होगा तो डाल दूंगा भाई क्योंकि लास्ट के मेरे जितने भी ब्लॉक जब भाई चालीस मिनट पैंतालीस मिनट एक एक घंटे के बने हैं तो ये अगर 20 बाईस मिनट का भी होगा तो चल जाएगा काम जी दो होटल है एक ये रहा एक वो रहा राइट में लेफ्ट में सॉरी तो गाड़ी नू लगा मैं ऐसी और हमारे गाइड जाए ओथे भाई उन दोनों होटल में से एक में तो अलाउड नहीं था और दूसरे का प्राइस ज़्यादा था 480 बोल रहे थे बट डिस्काउंट करके 300 में माने यानी कि 3600 सिक्स हंड्रेड इंडिया के अभी जा रहे एक दो होटल देखते हैं कोई 200 तक की रेंज में मिल जाए यानी कि 2400 फोर तो सही रहेगा तो भाई ये रेड कलर का बोर्ड लग रहा है ना जहाँ पे ये भी होटल ये अब ये भी पूछना पड़ेगा कि अलाउ करेंगे या नहीं करेंगे और करेंगे तो कितने में देंगे रूम दूसरी कंट्रीज में तो भाई स्ट्रगल होता है रेट का कि रेट डिस्काउंट करवाना है और अपने प्राइस बजट में देखना है बट यहाँ पे स्ट्रगल ये भी है की होटल में रुक भी सकते है नहीं वो भी तो देखना पड़ता है ना तो बस ये तिब्बत तिब्बत नहीं है जैसी मेन लैंड चाइना में चले जाएंगे वहाँ नहीं है दिक्कत वहां हम कहीं भी रुक सकते हैं अपने हिसाब से तो वाले होटल में भी अलाउड नहीं था अब एक और होटल आए है यहाँ पे गए गाइड पूछने मेरे ख्याल से चलो हम नो

तो बढ़िया सीन हो जाएगा अपना चेक इन करते हैं फिर आपको रूम दिखाता हूँ सामान बहुत ज्यादा है इतना ही उठा सकता हूँ टूट जाएगा खुल जा सिम सिम लेट्स गो भाई चलो ओहो हो अंदर तो भाई मस्त गरम गरम हो रहा है टेम्परेचर मजा आ गया तो भाई ये यह यहाँ का रिसेप्शन है आप देख सकते हो इस तरह से और लिफ्ट लगी हुई है शुक्र है अब तो चाहे भाई पचासवीं मंजिल पे दे दो तो, कमरा फर्क नहीं पड़ता देखो भाई पूरे वर्ल्ड की काफी सारी क्लॉक्स लगी हुई है यहाँ पे बट इंडिया की क्लॉक नहीं लगा रखी यहाँ पे कोई भी कोई नहीं चलो तो हाउ मच फाइनली तो buddy need time to do it need time to do डिस्काउंट लेते भाई थोड़ा नो no 220 आस्क फॉर 250 <laughs> 250 हिंदी चीनी भाई भाई 250 ताकि चाचूस सर तंगी जैसा ना दे ना दे दे जैसे सर होल्ड अच्छी भी तो जा के मान जाओ भैया 250 में नो नो 300 या ये तो भाई हमारे डिस्काउंट नहीं दे रहे ओके जी फ्लोर फ्लोर फोर्थ फ्लोर और थर्ड फ्लोर एट थ्री टू सिक्स चलो बैग ले चलो आज आज थर्ड फ्लोर है अब तो क्या ही चेक करना रूम भाई चेक इन कर लेते हैं सीधा टू एट्टी में अराउंड भाई थर्टी थ्री हंड्रेड रुपीज इंडिया के पर नाइट

ओ यार बड़ा कमरा तो है ना इतना ही हो मजा आ जाए फिर तो टू बेड्स राइट Sorry. टू बेड्स टू बेड्स yeah. यार लो भाई कार्ड ही नहीं चल रहा आई गेस इट्स ओपन जस्ट पुश इट नो लॉक लॉक्ड एक्टिव हाँ एक्टिवेट नहीं किया जा। होगा कार्ड जाना पड़ेगा ओके okay. ये देखो दया बहन हमारी और दया बहन क्या हाल चाल है ठीक हो दया बहन बुलाऊं जेठालाल को है ये चंपक चाचा को ओए <laughs> <laughs> होए शर्मा गई क्या आए है फोन काट दी आ गई क्या <laughs> कैसे कर दोगे बाबू डिलीट कैसे हम बताएंगे कैसे कर दोगे <laughs> भाई परंठे ना वेट नहीं हो रहा फटाफट से पनीर गर्म करूंगा चावल बनाऊंगा थोड़े से या चावल रात को बना लूंगा अभी सिर्फ परांठे खा लेता हूँ चार प्रांठे बड़े बड़े एक तो कटकी जाऊंगा उसमें से चलो जी चलो गेट खुल गया है कार्ड को री करना पड़ा आज जी हाई नी अपा फेर मिलांगे तो थ्री टू वन आर यू रेडी फॉर द रूम टूर लेट्स गो भाई देख लो हो oh, 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 गरमाट कर रखी है इन्होंने तो भाई क्रेजी बाथरूम यार मस्त नहाऊंगा आज दो घंटे बेड oh, भी सही है सिंगल सिंगल वाले सिंगल नहीं होता ये डबल का छोटा साइज होता है और फ्रंट व्यू आएगा गैसी है ओके कैश यार पासपोर्ट और वीजा दे दो देखूं कि फ्रंट व्यू है ना हाँ भाई फ्रंट व्यू है गाड़ी तो नहीं दिखेगी बट रोड दिखेगी और खिड़की खोलने की हमारी हिम्मत नहीं है इतनी ठंडी हुआ है थोड़ा अच्छा लग रहा है यार रूम देखना बैकग्राउंड कितना बढ़िया बना रहे हैं बच के रहना बेटा बच <laughs> के रहना पुलिस को फोन करूंगा <laughs> <laughs> क्या रहा गेम बजा दूंगा बेटे पुलिस यहाँ आएगी दो देगी तुम्हारे पिछवाड़े पे गोली ठाटा और <laughs> आप बाहुबली <laughs> चलो भाई चलो सीधा खाना निकालो गर्म करेंगे मोज ही मोज हो जाएगी पानी वो दे दिया इन्होंने टेलीफोन दे दिया टीवी हमने आज चलाया नहीं किसी होटल का ह्यूमिडिफायर दे रखा है अच्छी चीज है भाई थोड़ा ह्यूमिडिटी बन जाती है सही बात है एक बोतल हम अपने वहां से गाड़ी चले आए थे निकाल के दिखाओ तो भाई हमारा ये एक्सटेंशन जो है ना वो लग नहीं पाता था इनके स्विचेज में और हमारा जो यूनिवर्सल यूनिवर्सल्टर था वो भी फूक गया था तो लास्ट साह से मैंने ये खरीद लिया था आपको याद होगा तो अब इसको इसमें फिट करते हैं और फिर इनके प्लग में लगा देंगे मस्त एकदम और इससे क्या अपने को चार स्लॉट मिल जाते हैं बेड के साइड में ही अपना कुछ भी चार्ज वार्ज करना होना भाई साहब सीन हो गया कलाकारी दिखा रहा था ये मैंने इसे कहा अंदर से करना इनने भारी बार तार लगा दी और इसमें लगाई बूम ऐसे पर आज भाई लाइट वाइट सब चली गई है देखो और ये फूक गया पूरा यहाँ भी फूक गया तो बुला के लाओ भाई उन्हें बताना मत कि ये कर हमने है। वरना पता चले वो कहे बेवकूफ लोग ये देखना जाओ, 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 ट्रिप मार गई थी भाई वो सही कर गए अब फिर से हम फूकने की कोशिश कर रहे हैं <laughs> निकालो भाई निकालो खाना खाना है भूख लग रही है बहुत सारे वो निकालो तो ये इनका एक्सटेंशन यूज करके हमने अपना चला लिया अब इसमें हम इंडियन प्लग लगा लेंगे लो जी अपनी कढ़ाई हो गई है रेडी तवा तो है नहीं अपने पास बट यार परांठे एक तो ज्यादा भी आ गए और दूसरा ना यहाँ अजीब से परांठे है देखो मुझे ऐसा लग रहा है ये मैदे वाले परांठे है भाई नॉर्मल आटे के नहीं है और आलू की फिलिंग तो ना के बराबर ही है फालतू में देखना कितने सारे परांठे इकट्ठे हो गए अब ये यूज तो इतने हो नहीं पाएंगे और कोई नहीं चलो गर्म करते हैं और जो ज्यादा चाहिए थी ना चीज वो कम है ये देखो पनीर देखना कितना सा दिया भाई दो लोगों को हो भी नहीं पाएगा पूरा चावल तो दूर की बात है परंठो साथ खा ले वही बहुत है पर कोई बात नहीं भाई अब पेट तो भरना पड़ना है ना पहले परंठे ही गर्म कर लेते प्लेटें निकालो कहा लो जी लो अपना पनीर भी डल गया भाई सब क्या खुशबू आ रही है मसालेदार ऐसा लग रहा है बस मीठा मीठा ना हो भाई क्योंकि मीठे से ना मूड खराब हो जाता है फिर सारा पर सही में भाई साहब खुशबू तो एकदम मजेदार आ रही है शादियों वाले खाने की हुए हुए प्रांठे गर्म हो गए हैं ये रे सोहन के ये रे मेरे अभी भी देखो कितने सारे बच्चे हैं कोई नहीं देखेंगे सुबह तक सही रहेंगे तो सुबह खा लेंगे थोड़े से हाँ हा हा भाई जीभ लपलपा रही है सही में वेट ही नहीं हो रहा चलो भैया मैं खाऊ आराम से रखता हूँ थोड़ी देर में मिलेंगे चलो जी पेट पूजा हो गई है लिप्स पे बैसलिन भी लगा लिया इस वाले ब्लॉग के लिए इतना ही रखते हैं भाई कोर्स का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है जाके अभी के अभी, अभी अनरोल करो मेरा कूपन कोड यूज कर लेना आई 40 फोर्टी चालीस परसेंट डिस्काउंट मिल जाएगा मिलता हूँ जी आपसे नेक्स्ट वीडियो में देन गुड बाय एज ऑलवेज तीखे रास्तों पर नहीं पढ़ना फीका